नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी अपना न्यू जर्सी कब लॉन्च करेगी, और साथ ही हम बात करेंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी के प्रैक्टिस मैचेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी को लेकर। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी के प्रैक्टिस मैचेस के बारे में। तो दोस्तों, अब तक एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने 3 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, जिनमें से तीनों ही मैच जीते हैं दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने। और दोस्तों, तीसरा प्रैक्टिस मैच खेलने उतरी थी एससी ईस्ट बंगाल एफसी कल, तो उन्होंने जीता दोस्तों। एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने 2-1 से गोकुलम केरला एफसी को हरा दिया, और गोल स्कोरर थे दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए बलवंत सिंह, और दूसरे गोल स्कोरर थे दोस्तों अंगू साना। तो अंगू साना बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर है और बलवंत सिंह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, जिससे कोच मैनोलो डियास को बहुत ज़्यादा आसान होगा एक्सपीरियंस और यंग प्लेयरों को मिलाकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना। तो कोच मैनोलो डियास पिछले 3 प्रैक्टिस मैचेस से अपने सारे प्लेयरों को देखा है, और आशा करते हैं कि मैनोलो डियास अपना कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं। 3 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने और तीनों में ही जीता है। तो कोच मैनोलो डियास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कोच हैं, और एससी ईस्ट बंगाल एफसी के पास जो अभी टीम है, पिछले सीजन से बहुत ही अच्छा टीम है, ये मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ अपने वीडियोस में। तो एससी ईस्ट बंगाल एफसी के समर्थक इस सीज़न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने टीम से, एससी ईस्ट बंगाल एफसी से, क्योंकि दोस्तों पिछले तीनों प्रैक्टिस मैच में एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जीता है। तो एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने तो अपने तीनों प्रैक्टिस मैच में जीता है, तो बहुत ही अच्छा बात है एससी ईस्ट बंगाल एफसी के सारे समर्थकों के लिए, क्योंकि उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रैक्टिस मैच में ही दोस्तों पता चलता है कोच को कि कौन सा कॉम्बिनेशन मैच में, रियल मैच में उतारना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा बात हुआ है, क्योंकि तीनों प्रैक्टिस मैच दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है, तो बहुत ही खुश होंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी के सारे समर्थक, और कोच मैनोलो डियाज भी अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी के न्यू जर्सी किट के बारे में। तो दोस्तों, एससी ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी ऑफिशियली अपना किट लॉन्च करने वाली है अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक के किसी भी तारीख में अपना न्यू जर्सी किट लॉन्च कर देगी ऑफिशियली। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है एससी ईस्ट बंगाल एफसी फैनों के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।